स्वागत है आपका चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। आज की वीडियो में हम घर पर ही अपना लिक्विड सिंदूर तैयार करेंगे, लेकिन सिंदूर तैयार करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं सिंदूर के बारे में। तो देखिए, सिंदूर जो होता है विवाहित स्त्री यानी कि मैरिड वुमेन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको काफ़ी प्रिय भी होता है। जैसे आपने डायलॉग भी सुना होगा कि एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो सिंदूर लगाना हिंदू संस्कृति में काफ़ी शुभ माना जाता है। शादी के बाद सभी स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने के बाद चेहरे पर चार चांद लग जाते हैं, चाहे आपने मेकअप किया हो ना किया हो, अगर आपने सिंदूर भी लगा लिया है तब भी आपका चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है। शास्त्रों में तो सिंदूर को लगाना शुभ माना ही गया है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। सिंदूर जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, चूना, मरकरी और हल्दी। मरकरी जो होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है और तनाव को भी कम करता है। अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो हम माना गया है, वैज्ञानिक मानते हैं कि जो लेडीज प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं उनको तनाव की समस्या कम होती है। सेकंड, जब हम ऐसे मांग निकाल कर बीच में सिंदूर लगाते हैं जो, तो हमारे शरीर में जो सिर के बीच में जो नसें हैं, जब हम इसमें सिंदूर लगाते हैं तो हमारी बॉडी में एक पॉजिटिविटी का भी संचार होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। और सिंदूर लगाने से बोलते हैं कि पति की उम्र भी लंबी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वैज्ञानिक तो इस बात को सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्र सत्य मानते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर कोई लेडीज प्रतिदिन सिंदूर लगाती है तो पति पत्नी का प्यार बढ़ता ही है। तो चलिए, ये तो हो गई सिंदूर के बारे में बातें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिंदूर तीन चीज़ों से मिलकर बना है, तो लिक्विड सिंदूर भी हम तीन चीज़ों से ही मिलकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए ये सूखा सिंदूर, जी हाँ, इससे ही हम अपना लिक्विड सिंदूर तैयार करेंगे। हर्बल सिंदूर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो मैंने ये हरिद्वार से मंगाया था। वैसे मैं इसकी पूरी ऐसे गारंटी तो नहीं ले सकती कि हर्बल है या नहीं, लेकिन उन्होंने हर्बल बोलकर ही इसको दिया था। तो देखिए, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसको हरिद्वार से मंगाया था। सेकंड, एलोवेरा जेल, और थर्ड विटामिन ई के कैप्सूल। तो इन तीनों को मिलाकर हम अपना लिक्विड सिंदूर तैयार करने वाले हैं। तो मैंने ये एक खाली बाउल ले लिया है। अब हम इसमें निकालेंगे ये जो अपना ये सूखा सिंदूर है, इसको ले लेते हैं। तो इतना सारा मैंने इसमें इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ये हमने मिलाया इसमें एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल भी हम डाल ही लेते हैं, तभी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हल्का सा मैंने सीजर से इसमें लगाया है कट, और ये ऐड कर दिया है इसका ऑयल। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें ही हर्बल है जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि इससे आपके बालों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो नहीं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। एलोवेरा जेल तो हम सिर में वैसे भी लगाते ही हैं, बालों में विटामिन ई के कैप्सूल भी लगाते हैं, और सिंदूर को जैसे मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हम लगाते ही हैं। तो अच्छे से देखिए, हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, और कितने अच्छे से ये हमारा लिक्विड सिंदूर तैयार हो गया है। सिर्फ एक ही मिनट हमें लगे हैं। अब मैंने ये ले ली है एक क्यूटिप्स, और इसकी हेल्प से मैं इसको आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। पहले मैं इसको हाथों पर लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैं अपने मांग पर भी इसको भर देती हूँ। आज मैंने इसीलिए पहले से सिंदूर नहीं लगाया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए, मांग पर भी मैंने अच्छे से सिंदूर भर लिया। आप देख सकते हैं कि सिंदूर लगाने के बाद लुक एकदम से चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप भी घर पर अपना लिक्विड सिंदूर तैयार कर सकते हैं।
आई होप वीडियो आपने इंजॉय की होगी और आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रही होगी, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और अगर आपका कोई सजेस्ट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।